नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। MPPSC 2024 राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद नहीं बढ़ाने से नाराज अभ्यर्थी। सिर्फ 110 पदों के लिए होगी परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद नहीं बढ़ाए जाने से अभ्यर्थी नाराज है। सोमवार को उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो चुकी है, मगर आयोग बढ़ाने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में हुई परीक्षाओं में सबसे कम पद 2024 में निकाले गए हैं। मामले में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। दिसंबर मनी आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 को लेकर विज्ञापन निकाला था, जिसमें 60 पद रखे गए थे। कम पद होने से अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई। महीने भर बाद आयोग ने 50 पद बढ़कर 110 पदों पर परीक्षा करवाने का फैसला लिया। तीर्थ दर्शन योजना में श्रद्धालुओं को मध्य प्रदेश के तीर्थों का भी कराया जाएगा भ्रमण। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करके अब इसमें मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में योजना की समीक्षा के अवसर पर यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ऐसे स्थलों का अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करे। मध्य प्रदेश के स्थानों की यात्रा से जहां बुजुर्ग यात्रियों को अपने ही प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान देखने और देव दर्शन का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। धार्मिक न्यास धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव स्थलों को सुविधायुक्त बनाएं। राम राजा की नगरी ओरछा, शारदा माता के स्थान मैहर, बड़ा महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव, जटा शंकर पचमढ़ी पर व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं। उन्होंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोकों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की। स्कूल बसें होंगी और ज्यादा सेफ, छत पर लगेगा वाटर टैंक, आग लगते ही चालू हो जाएंगे फव्वारे। इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार प्रयास करता रहता है। स्कूलों के लिए खरीदी नई बसों का परिवहन विभाग में पंजीयन तभी किया जा रहा है जब उसमें फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम FAPS डिवाइस लगी हो। बसों में आग लगने पर इस डिवाइस के कारण सीटों पर पानी का फव्वारा शुरू हो जाएगा और आग पर तत्काल काबू पा सकेंगे। FAPS डिवाइस फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें बस की छत पर वाटर टैंक बनाना होता है। इसके साथ नाइट्रोजन सिलेंडर भी लगाया जाता है। बस के अंदरूनी हिस्से यानी सीटों के ऊपर पाइपलाइन डालकर उसमें स्प्रिंकलर लगाने होते हैं। बस में आगजनी की घटना होने पर यह नाइट्रोजन और पानी को पाइपलाइन में पहुंचाता है और स्प्रिंकलर के माध्यम से तेजी से सीटों पर आता है, जिससे त्वरित गति से आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। उज्जैन महाकाल टेम्पल में 22 जुलाई से लगेगा सावन माह, भक्तों को 40 मिनट में होंगे भगवान महाकाल के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 22 जुलाई से सावन मास की शुरुआत होगी। राजाधिराज महाकाल भक्तों के लिए आम दिनों की अपेक्षा 1 से 1.5 घंटा पहले जागेंगे। प्रत्येक रविवार को रात 2:30 बजे तथा सोमवार से शनिवार तक रात 3 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती होगी। मंदिर की परंपरा अनुसार सावन भादो मास में हर सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी। प्रत्येक शनिवार को सावन महोत्सव का आयोजन होगा। 9 अगस्त को नागपंचमी महापर्व मनेगा। इस दौरान देश विदेश से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे। इंदौर ने शुरू की MP इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी। CM ने मुंबई में निवेशकों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर इंदौर में तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई जाकर निवेशकों को प्रदेश में आने का न्योता दे चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन MPIDC ने इंदौर रीजन में भी समिट को लेकर अपनी कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। इसके तहत इंदौर रीजन में निवेश के लिए अब तक 3000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की उपलब्धता सूची तैयार कर ली गई है। प्रयास किया जाएगा कि फार्मा, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल से जुड़े निवेशकों को इंदौर में आकर्षित किया जाए। 2.25 घंटे में इंदौर में 36.25 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर बह निकला पानी। सोमवार रात गर्मी और उमस के बाद मंगलवार सुबह करीब 4:45 बजे से शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हुई। बादलों की गर्जना इतनी तेज थी कि घरों में सो रहे लोग भी जाग उठे। रीगल स्थित MP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेदर स्टेशन पर मंगलवार सुबह 4:45 से 7 बजे तक 36.25 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मंगलवार को आगे भी शहर में गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। सांवेर में पिछले 24 घंटे में 85 मिलीमीटर बारिश हुई। महू में 27 व देपालपुर में 18.5 मिमी बारिश हुई। 3 करोड़ की लागत से हुआ पुनर्निर्माण अचलेश्वर मंदिर का। 37 किलो चांदी से बनी है जलहरी। 3.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अचलेश्वर मंदिर व 37 किलो चांदी की जलहरी का लोकार्पण भड़ली नवमी के अबूझ मुहूर्त में किया गया। इस शुभ अवसर पर विधि विधान के साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सादगी के साथ किए गए लोकार्पण में भगवान अचलनाथ को 56 भोग अर्पित करने के साथ महाआरती की गई। प्राण प्रतिष्ठा का विधान रविवार की शाम से शुरू हो गया था। लोकार्पण के अवसर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीसी बसन, मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन के मोदी, सभापति मनोज तोमर, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सहित न्यास के पूर्व पदाधिकारी मौजूद थे। मंदिर संचालन समिति का कहना है कि लोकार्पण के बाद शेष बचे कार्यों को श्रवण मास से पूर्ण किया जाएगा। अचानक खोल दिए थे देवास डैम के गेट। शिप्रा नदी में बाढ़ की सूचना नहीं देने पर कंट्रोल रूम प्रभारी को नोटिस। एक दिन पहले रविवार को शिप्रा नदी में अचानक बढ़े जल स्तर की पूर्व सूचना जारी न करने पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कंट्रोल रूम प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र थमाया। बताया जाता है कि केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर ही देवास डैम के गेट खोल दिए गए थे। इस कारण शिप्रा नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। देवास में जोरदार बारिश के कारण ऐसे हालात बने थे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रबंधन से जुड़े राजस्व, नगर निगम, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और होमगार्ड के अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि अचानक जल स्तर बढ़ने जैसी स्थिति दोबारा निर्मित न हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी कंट्रोल रूम से शिप्रा नदी के प्रमुख स्थानों पर जल स्तर की निगरानी रखें, कंट्रोल रूम का बेहतर संचालन करें। वे प्रशासनिक संकुल भवन में विभिन्न विभागों की बैठक ले रहे थे। भोपाल में नगर निगम के खर्चे पर प्रशिक्षण के लिए अहमदाबाद जाएंगे चुनिंदा पार्षद। दौरे को लेकर उठे सवाल। नगर निगम के पार्षद जुलाई के 24 से 25 को अहमदाबाद में 2 दिनी प्रशिक्षण के लिए रवाना होंगे। इनके साथ एक निगम अधिकारी भी जा रहे हैं, लेकिन यह व्यय नगर निगम के खजाने से किया जा रहा है। इसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है। दरअसल इस दौरे के लिए प्रति पार्षद 12,000 रुपए का खर्च आ रहा है, जो कि नगर निगम चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की मद से खर्च कर रहा है। इसके चलते 4,40,000 का खर्च हो रहा है। मजे की बात यह है कि इस दौरे के लिए जिन पार्षदों का चयन हुआ है उसको लेकर न तो महापौर मालती राय को जानकारी है और न ही निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को इसकी जानकारी दी गई है। सूत्र बताते हैं कि जिस कंपनी द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसने पूर्व में भोपाल आकर पार्षदों को ISBT स्थित नगर निगम के मुख्यालय में प्रति विधानसभा के हिसाब से 3-3 पार्षदों को 2 दिन प्रशिक्षण दिया। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध से निकली मुख्य नहर फूटी। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह। अनियमित मानसून के कारण कई दिनों से जिले में बारिश नहीं हुई थी। सोमवार को शहर में भी सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे जमकर पानी बरसा। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सोमवार को हुई बारिश आफत बनकर बरस पड़ी। सोमवार को सुबह से हुई बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाई। सुलगांव में नाला उफान पर आने से लोगों के घरों और खेतों में पानी घुस गया। ओंकारेश्वर में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को ओंकारेश्वर सहित आसपास के क्षेत्र में भीषण बारिश में पूरी तरह से जनमानस को अस्त व्यस्त कर दिया। खंडवा विधायक ने जिस कॉलेज का किया लोकार्पण, आधे घंटे बाद वहीं दी BSW की परीक्षा। जहां चाह वहां राह। खंडवा की विधायक ने इस बात को फिर से साबित कर दिया। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके पास खुद के लिए समय की कमी होना स्वाभाविक है। बावजूद इसके उन्होंने एक बार फिर से कॉलेज में परीक्षा दी है। इससे पहले भी वे बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष एक परीक्षा दे चुकी हैं। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकता है। खंडवा विधायक कंचन तन्वे शहर के पुराने नीलकंठेश्वर महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची। इसी कॉलेज का लोकार्पण कुछ देर पहले ही विधायक ने किया था। यहां उन्होंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क की परीक्षा दी। रिनोवेशन के बाद अब इस कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया है। खरगोन में बारात से पहले पहुंची टीम, रुकवाई नाबालिग की शादी। ग्राम लखनपुरा में नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने जा रहा था। बालिका को मेहंदी हल्दी लग चुकी थी। सोमवार बारात ही आने वाली थी, लेकिन इसके पहले महिला बाल विकास विभाग बड़वाह की टीम पहुंच गई। समझाइश के बाद बालिका के स्वजन ने बालिग होने पर ही विवाह करने को लेकर लिखित सहमति जताई है। विभाग के परियोजना अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि सूचना मिली कि ग्राम लखनपुरा में बाल विवाह होने जा रहा है।
शिवपुरी में कच्ची शराब को बनाया कारोबार, खेतों में संचालित हो रही फैक्ट्रियां, हर रोज लाखों की बिक्री। खनियाधाना क्षेत्र में बेरोजगारी के चलते कच्ची शराब आय का बड़ा स्रोत बन गई है। हालात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर स्थित जंगल से सटे हुए औसत हर तीसरे चौथे खेत पर कच्ची शराब की फैक्ट्री लगाकर हर रोज गांव-गांव में कच्ची शराब की सप्लाई की जा रही है। कच्ची शराब यहां के बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों के लिए आय का कितना बड़ा जरिया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 14 दिन में यहां कच्ची शराब की तीसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। गुना में बदमाशों को पकड़ने गई थी 3 जिलों की पुलिस। फायरिंग और पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। बमोरी क्षेत्र के ग्राम खेजरा चक में शनिवार को पारदी बदमाशों को दबिश देकर पकड़ने गई 3 जिलों की पुलिस पर पारदी पुरुष और महिलाओं ने फायरिंग और पथराव कर दिया। इसमें धरनावदा थाना प्रभारी गोली लगने से बाल बाल बच गए तो 10 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पथराव में पुलिस वाहन के कांच भी फूट गए। ग्वालिया में पति की शराब की लत छुड़ाना है तो यही प्रोसेस है। झाड़फूंक करने वाले ने महिला से किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति की शराब की लत छुड़ाने के नाम पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी बुजुर्ग की पहचान हरचरण राजौरिया के रूप में हुई है, जो झाड़फूंक करता था। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद आरोपी फरार है। रेप करने के बाद आरोपी ने धमकाया था कि किसी को कुछ बताया तो तंत्र मंत्र कर महिला के पूरे परिवार को मार डालेगा। आशंका है कि उसने और भी महिलाओं के साथ ऐसा किया होगा। जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम की बढ़ाई फीस। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अपने सभी कृषि, इंजीनियरिंग और हार्टिकल्चर पाठ्यक्रम में फीस वृद्धि कर दी है। इसमें कृषि स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की बड़ी फीस का भुगतान करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि से जुड़ा निर्णय 2019 में अपनी बोर्ड बैठक में लिया था। इस निर्णय में हर साल सभी कृषि पाठ्यक्रमों की फीस में 10% का इजाफा किया जाना था, लेकिन कोरोना काल के दौरान फीस में इजाफा नहीं किया गया। इसके बाद पहली दफा 2021 से 22 से 2024 से 25 के दौरान 3 बार फीस में हर साल 10% तक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि का असर जबलपुर से लेकर छिंदवाड़ा, बालाघाट, गंज बासौदा, सीहोर, रीवा और वारासिवनी के कृषि, हार्टिकल्चर और इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयों में लगभग 3000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और हर साल स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में लगभग 1000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, जिस पर फीस का बोझ बढ़ेगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 46 ट्रेनों में बढ़ाएं 92 जनरल कोच, सुकून भरा होगा सफर। रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इसमें रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों सहित 46 ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे में सफर करने वालों को राहत मिलेगी। रेलवे वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर पहले ही रोक लगा चुका है। रेलवे ने लंबी दूरी की 46 महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या बढ़ाई है। इन ट्रेनों में 92 नए सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। वहीं 22 अन्य ट्रेनों की भी पहचान करने व उनमें अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच जोड़ने की योजना बनाई गई है। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के जल से स्नान कराने का लक्ष्य, 615 करोड़ की योजना तैयार। मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ, सिंहस्थ में आने वाले साधु संत एवं श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान नर्मदा की बजाय शिप्रा नदी के जल से कराने को जल संसाधन विभाग ने 615 करोड़ रुपए की योजना बना ली है। ये योजना प्रशासकीय स्वीकृति के लिए राजधानी भोपाल भेज दी गई है, जिसे इस सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विस्तृत कार्य योजना के अनुसार शिप्रा नदी पर उज्जैन जनपद के सेवरखेड़ी गांव में 4 मीटर ऊंचा, 180 मीटर लंबा बैराज बनाया जाएगा। यहां से सिलारखेड़ी तालाब तक 6 किलोमीटर लंबी, 1800 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन बिछाकर शिप्रा में आया अतिरिक्त पानी तालाब में छोड़ा जाएगा। इंदौर पर मानसून हुआ मेहरबान, आज भी तेज बारिश के आसार। इंदौर शहर में मानसून मेहरबान हो गया है। शहर में आज भी तेज बारिश की आशंका जताई है। रविवार को भी दिन में आसमान साफ रहने के कारण धूप निकली और हल्के बादल छाए। दोपहर में अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। वहीं शाम 5 बजे बाद एयरपोर्ट, विजयनगर क्षेत्र में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल में गुजरात पर एक चक्रवाती हवाओं का घेरा 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। वहीं एक मानसून द्रोणिका बीकानेर, लखनऊ, बालासोर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। भोपाल के बड़े तालाब में 1.5 फीट बढ़ा पानी, जलस्तर पहुंचा 1659 पर। शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब में 1.5 फीट पानी बढ़ गया है।
इसके चलते तालाब का वर्तमान जलस्तर 1659 फीट पर पहुंच गया है। एक हफ्ते पहले तक तालाब का लेवल 1657.05 था। 24 जून से तालाब में पानी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, तब झील का जलस्तर 1650 था। 21 दिन में तालाब का पानी 9 फीट बढ़ा है। तालाब के जलस्तर के बढ़ने की मुख्य वजह तालाब के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश बताया जा रहा है। तालाब का फुल टैंक लेवल 1662.10 है। इस लिहाज से तालाब का पेट भरने के लिए मात्र 3 फीट और पानी की जरूरत है। चूंकि बारिश का सीजन चल रहा है, ऐसे में आने वाले कुछ ही दिनों में तालाब पानी से लबालब हो जाएगा। तालाब के फुल होते ही भदभदा के गेट खोल दिए जाते हैं।